आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। अयोध्या से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जिले में 1,25,000 महामृत्युंजय महामंत्र का अनुष्ठान, पीएम मोदी के संकट निवारण के लिए अनुष्ठान। 15 ब्राह्मण 14 जनवरी तक करेंगे अनुष्ठान। महंत गिरीश पति त्रिपाठी के नेतृत्व में हुआ अनुष्ठान, सिद्धपीठ शीरेश्वर महादेव पर शुरू हुआ अनुष्ठान। 14 जनवरी मकर संक्रांति तक चलेगा अनुष्ठान। बड़ी खबर सामने आ रही है अयोध्या से, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जिले में 1,25,000 महामृत्युंजय महामंत्र का अनुष्ठान, पीएम मोदी के संकट निवारण के लिए अनुष्ठान। 15 ब्राह्मण 14 जनवरी तक करेंगे अनुष्ठान। महोबा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आचार संहिता लगने के बाद प्रशासन सक्रिय, चेकिंग में 4,44,000 की नकदी बरामद। एमपी से पैसा लेकर कानपुर जा रहा था युवक, नकदी ट्रेजरी में जमा कर कार्रवाई में जुटी पुलिस। श्रीनगर थाना क्षेत्र के कैमाहा बॉर्डर का मामला। महोबा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आचार संहिता लगने के बाद प्रशासन सक्रिय, बड़ी खबर सामने आ रही है। रालोदा आज जारी कर सकता है सूची, बड़ी खबर सामने आ रही है। आरएलडी प्रत्याशियों की पहली सूची कर सकता है जारी। सभा से पहले चरण में बनी सहमति, रालोद आज जारी कर सकता है सूची। आरएलडी प्रत्याशियों की पहली सूची कर सकता है जारी। सपा से पहले चरण पर बनी सहमति, रालोद आज जारी कर सकता है सूची। बड़ी खबर सामने आ रही है, आरएलडी प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर सकता है। रायबरेली में फिर हुआ कोरोना विस्फोट, बड़ी खबर सामने आ रही है। 24 घंटे में 53 लोग हुए कोरोना संक्रमित। सीआईएसएफ बीपीएम जवान भी संक्रमित, 53 कोरोना संक्रमित मिलने से मचा हड़कंप। कलेक्टिव मरीजों की संख्या हुई 193। रायबरेली में फिर हुआ कोरोना विस्फोट। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।